हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है। ये सैमसंग का A14 है, मतलब A14 मोबाइल है। और ये फ़ोन गाइस हमारे पास डेड कंडीशन पे रिपेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है। ये सेट गाइस ऑन नहीं हो पा रहा है, एक डेड कंडीशन पे एक कस्टमर का हमारे पास ये फ़ोन है। तो गाइस, आज का ये वीडियो कम्प्लीट देखिए। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस इसको हम चेक करेंगे एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये फ़ोन डेड क्यों है, ठीक है। सबसे पहले गाइस, हम आपको इसकी जो USB चार्जर की रीडिंग है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके की रीडिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी कुछ भी लगा हुआ नहीं है। अभी हम सिंपली फ़ोन को एक बार इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे हमने सिंपली डेटा केबल इसके ऊपर लगा दिया है। जैसे गाइस हमने डेटा केबल को यहाँ पे इंसर्ट करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.2 मिली एम्पेयर यहाँ पे ले रहा है। ये आप देख सकते हो, बहुत कम मिली एम्पेयर ले रहा है। इतने मिली एम्पेयर में आपका जो सेट है वो चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर ये अगर फ़ोन ऑन कंडीशन में भी होता तो कम से कम 0.6 या फिर 7, 7, 8 ऐसे इस तरीके से लेता तो समझ में आता कि हाँ थोड़ी सी बैटरी डाउन है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है। बट इसके अंदर 0.2 मिली एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब गाइस कुछ ना कुछ इस डिवाइस के ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना पे ही ये कंटिन्यू रहता है और सेट पे कोई भी लोगो वगैरह नहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ इस तरीके से सेट है, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारी डीसी मशीन प्रॉब्लम है। हमने इसको जब शॉप पे चेक किया था तो डीसी मशीन की जो रीडिंग जा रही थी वो 200 प्लस रीडिंग जा रही थी, मतलब 200 प्लस जो है वो रीडिंग जा रही थी, समथिंग 220-250 इस तरीके से कुछ रीडिंग इसकी जा रही थी, ठीक है। और ये जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर हमारे CPU की वजह से ही आती है। तो ये देख सकते हो फ्रेश मदरबोर्ड है, किसी ने किसी भी तरीके से इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया हुआ, ठीक है। इसका जो केन है ऊपर का हमने ओपन किया था क्योंकि इसका जो बूट केबल है वो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए, ठीक है। बाकी काम जो है वो कुछ भी इसके ऊपर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब गाइस हम इसकी CPU को रिवॉल्व करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से जो केन है वो थोड़ा सा गाइस हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है इसका जो हम CPU वाइज रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिवॉल्व करके देखेंगे एक बार क्या होता है। तो इस तरीके से हमने इसका जो प्लास्टिक है, अब यहाँ से हम हल्का सा गाइस इस तरीके से कट कर लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद जाके जो है हम सीधे चलेंगे अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर, हल्का हल्का यहाँ से दोनों साइड से हम कट जो है वो कर लेते हैं।
बेसिकली फ्रेंड यहाँ पे जो है हमने इसकी गाइस जो सीपीयू है उसको गाइस हमने यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया है, ठीक है गाइस। तो चलो अब गाइस यहाँ पे मेन है, हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले गाइस इसको हम फ्रेम से बाहर निकाल देते हैं और एक बार आपको पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, ठीक है, ये सीपीयू जो है वो हमारी रिवॉल्व जो है वो सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मदरबोर्ड वही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस अब एक बार हम फ़ोन को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फ़ोन डेड कंडीशन पे था क्या वो रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पहले डेड कंडीशन में डिवाइस था। तो हमने गाइस इसके सीपीयू को रिवॉल्व करा है और सिंपली हम यहाँ पे सब कुछ लगा देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ और एक बार इसको चार्ज पे लगा के देखता हूँ, क्योंकि उस टाइम में हमने चार्जिंग पे ही लगाया था। तो चलो यहाँ पे गाइस हम एक बार इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक है गाइस। हमने यहाँ पे चार्ज में लगाया, देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चार्जिंग का सिंबल है वो गाइस यहाँ पे बन के आ चुका है। देखो गाइस ये चार्जिंग का सिंबल गाइस यहाँ पे बन के आ चुका है। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो फ़ोन है वो हमारा 5% चार्ज भी है, ठीक है। अभी गाइस मैं आपको USB चार्जर पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.9 एम्पेयर जो है वो इसके अंदर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब गाइस हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया, ठीक है। तो चलो एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से इनकी जो पावर स्विच है मैं इसको कुछ इस तरीके से चिमटे की मदद से प्रेस करता हूँ गाइस, ठीक है। देखो फ्रेंड ये आप देख सकते हो सेट हमारे यहाँ पे ऑन हुआ, ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि सेट कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता है, या फिर अदरवाइज कोई दूसरी इशू भी जनरेट होती है। कई बार होता है रीस्टार्टिंग वाला भी प्रॉब्लम आता है, बट अभी यहाँ पे हम लाइव देखेंगे इसको, क्योंकि गाइस हमने इसकी सीपीयू को रिवॉल्व करा है। सॉरी बैटरी इसकी डाउन है थोड़ा सा, इसको चार्जिंग पे भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सर, देख सकते हो गाइस यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो गया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलो स्लाइड करते हैं, यहाँ पे गाइस लॉक लगा हुआ है, तो लॉक तो खैर मालूम नहीं है मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस सारी चीज़ें यहाँ पे गाइस वर्क कर रही है। लाइट यहाँ से बढ़ा के देखते हैं, देखो गाइस यहाँ से जो लाइट है वो भी गाइस यहाँ पे काम कर रहा है, देख सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे जो सेट की प्रॉब्लम थी डेड कंडीशन की वो गाइस यहाँ पे फिक्स हो गई है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है गाइस कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे गाइस अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।